गाइस, मैं हरी सर। आप देख रहे हैं जीवन जर्नी ब्लॉग एपिसोड नंबर 43। और यूट्यूब के स्टेट्स के अकॉर्डिंग आप लोगों में से 80% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है गाइस। तो अगर नहीं किया हो तो जरूर कर दें, और अगर चैनल सब्सक्राइब कर दिया हो तो चल चलते हैं मेरी दुनिया में। गाइस, काफ़ी दिन बाद में वापस से चाचा जी घर आया हूँ, और हमारे इस आधुनिक किसान ने एक और कमाल कर दिया। और कमाल इस बार कुछ ऐसा है, दिखाता हूँ आपको। अभी तुमने इस बार क्या कर दिया है? ये देखो, वही टंकी, वही हाफ टंकी का पोर्शन, इसमें टमाटर हो गए थे। टमाटर से इस बार ये देखो भिंडियों की साइज, इतनी बड़ी बड़ी भिंडियाँ हो गई हैं पेड़। और ये देखो भिंडी आ रही हैं, लिटरली भिंडियाँ आ रही हैं इसमें। कई भिंडियाँ हम तोड़ चुके हैं, आप देख सकते हो अवशेष, ये जैसे टूटी हुई है, यहाँ से टूटी हुई है। अभी और भिंडियाँ ऊपर आ रही हैं और नए फूल भी आ रहे हैं। मतलब ये बंदा इतनी सी जगह में पहले टमाटर खूब खाए इसने, अब ये यहाँ से भिंडियाँ खाएगा। और ये तो सिर्फ एक नमूना है, ये भिंडियों, इसके अलावा देखो आपको दिखाता हूँ, ये इतनी सी टैंकी में, इतने से इस ड्रम, इस बॉक्स में एक्चुअली ये फलियां निकल रही है। इसमें सब तोड़ तोड़ खाली है एक्चुअली। कुछ कुछ उदाहरण तौर पर देखो, ये ऐसी फली आ रही हैं, इसमें से काफ़ी चौड़ा की फली, चौड़ा की फली होती है, खाने में टेस्टी और सब्जी के लिए अच्छी। मतलब और अब देखो ये टमाटर उग रहे हैं इतने से पोर्शन में, छत के ऊपर हैं सारे के सारे, ये टमाटर उगा रखे हैं। ये अभी बड़े होंगे, पहले भी टमाटर उगाए थे। और पर ये भिंडियां, दिस इज लिटरली वेरी गुड। इतनी सी टैंकी में, ये टंकी का एक्चुअली हाफ पोर्शन है, काट दिया बीच में से। सीरियसली फूल आ रहे हैं देखो, वो भिंडी आ रही हैं, मतलब घर का काम तो इसी चल जाए। आर्या और बैंगन वगैरह अभी नए लगाए हैं। हाँ, ये छत पे अभी आर्या और बैंगन लगाए हैं ना। आर्या इन पे जनरली रस्सियों पे फैल जाएगी, बाकी एंड ये पेठा, मैसिव पेठा छत पे पूरा, तो ना गार्डन लगा दिया सीरियसली। ये तो बेल तो नीचे से आ रही है, और ये चढ़ते चढ़ते आम का पेड़ है। आम की उसमें बहुत कैरी आई थी इस बार, मस्त तरीके से कैरी आई थी। और ये पूरी बेल जा रही है, ये देखो पेठा, इधर भी पेठा आ रहा है। ये छोटा है, अभी तो खिलेगा। बाकी फिर इधर दो आम में लटक रहे हैं पेठा, ये है, ये देखो एक ये निकल रहा है पेठा, ये है एक, अगर मैं इसे खींचूं ऊपर तो एक ये रहा, ये रहा। तूने तो मतलब घर की दीवारों का, घर की रेलिंग्स का सब जगह फायदा उठा लिया। बांधे उस चार तरफ से जाल खड़ा कर दिए, बांध बांध के रस्सियों से बेल को सपोर्ट करने के लिए। और एक तो नीचे बहुत ही मैसिव पेठा है, वो सामने दिखा, दिख जाए तो जूम करके ये देखो। हाँ, वो अभी अच्छा खासा बड़ा है। ये भी तू ये सब कुछ सीख खास रहा है। ये तो हमें इसके बारे में तो कंफ्यूजन था, हमने कुछ तो लगाया था, लेकिन ये याद इसके बारे में कंफ्यूजन था कि पेठा की है लौकी की है। जैसे इसमें फल आना शुरू हुआ तो शुरू में जैसे लौकी जैसा लग रहा था ये, कि हाँ कलर लौकी जैसा है, बेल पेठे जैसी लग रही थी, लेकिन जब ये फूलना शुरू हुआ तब पता चला कि नहीं, ये पेठा ही है। नहीं, नॉलेज कहाँ से मिली? मतलब बेसिक वही फार्मिंग नॉलेज है, फिर कुछ देखा? वही है, फार्मिंग नॉलेज ही है। बस वो है कि खाद अपना नेचुरली इस्तेमाल करो, एनपीके वगैरह से। ये पूरा ऑर्गेनिक है ना? हाँ, ये पूरा ऑर्गेनिक है, क्योंकि केमिकल फार्मिंग में एनपीके वगैरह कुछ भी डालते हैं तो उससे एनपीके जो मेन जरूरी चीज़ें वो तो मिल जाती हैं, लेकिन बाकी पेड़ों को और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन वगैरह। ये प्लांट्स के हेल्दी होने के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इससे फल भी एक्चुअली टेस्टी आता है। तो एनपीके में नहीं मिलता, उससे तीन ही चीज़ें मिलती है। फिर बाकी या तो इन्ग्रीडियंट्स खुद से ऐड करो क्वान्टिटीज़ में, या फिर नेचुरल खाद इस्तेमाल करो। देखो ऐसा है कि हम तो पूरे जस ने बताया कि कोई कहीं से एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं मिली, क्योंकि हम फार्मर खानदान से बिलोंग करते हैं, तो बेसिकली कुछ बेसिक नॉलेज हमारे पास में पहले से थी कि वो चीज़ें कैसे उगानी होती हैं। उस पर जो पढ़ाई करी वो उसने हेल्प कर दी कि बेसिक साइंस है कि एक्चुअली फार्मिंग की। और ओवरऑल अभिषेक ने पूरे घर में, और ब्रो एक्चुअली साइलेंट इसने बोल रहा है, वो है वो बंदा जो पीछे से सारा काम कर रहा है बैठ के। हाँ, एकदम। मतलब एक्चुअली इसमें सिर्फ अभिषेक नहीं है, ब्रो ने एक्चुअली देखा जाए तो ये पूरा एस्टेब्लिश करने में एकदम पूरा बेस तैयार इसने किया है। पर हाँ, ये लाइमलाइट से दूर रहता है। लाइमलाइट में अभिषेक आया, ठीक है, टमाटर मेरे, भिंडी मेरी। करेले की बेल भी लगा दी है। हाँ, ये नीचे से ही आ रही है। ओहो, नीचे से पूरी नीचे से। अभी जैसे इसमें से कल ही तोड़े थे, बाकी जैसे अभी भी एक्चुअली कई करेले हैं। अभी ये फूल के एक्चुअली करीब इतनी लंबी हो जाएगी और अच्छी खासी मोटी हो जाएगी। तुमने कौन सी सब्जी छोड़ी है बता मुझे, पूरे मतलब छत को नीचे से सब जगह से कवर कर रखा है। तो ठीक है, शॉर्ट ट्रिप ब्रो के गार्डन में खत्म होती है हमारी। फिर मेरे नॉर्मल लाइफ व्लॉग्स, मेरी पर्सनल लाइफ व्लॉग्स चलते रहेंगे। मैं नए व्लॉग के साथ में बहुत जल्दी मिलूंगा आपको। टिल देन, बाय बाय, हम फिर ज़रूर आएंगे।